प्रजावती मैया से सभी पतवंचत नारियां कहने लगी हैं कि हे मां, मैंने सुना है कि भगवान इस समय बट बगीचे में ठहरे हुए हैं और मैया तुम चली जाओ, क्योंकि हमारे पतियों को भगवान बुद्ध ने अपने संग में सम्मिलित कर लिया और भला हम इन महलों में रह करके क्या करूंगी, इसलिए मैया जा करके कह दो कि हम सभी को प्रविज्ञा दे करके हमें अपने संग में सम्मिलित कर लो। उसी समय क्या बोली है मैया सुनो, अरे चली जाओ रे मैया बाग में, अरे समय मेरे बंधु कहने लगे, सभी नारियां पद विंचत नारियां कहने लगी, भगवान हे मां तुम चली जाओ और वहां महाकाल भी तथागत भगवान बुद्ध समय बगिया में ठहरे हैं, मां चली जाओ, इन महलों में रह करके क्या करूंगी क्या न करूंगी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती है। हमारे पतियों को भगवान बुद्ध ने अपने संग में सम्मिलित कर लिया, भला इन महलों में रह करके मैं क्या करूंगी। आज मेरी बंधु उसी समय महाप्रजावती गौतमी मैया बगिया को चली है और जब मगिये उस बगीचे में पहुंच कर गए जहां तथागत भगवान बुद्ध बैठे हैं, दम की चर्चा हो रही है। महाप्रजावती मैया भगवान से कहने लगी है कि हे बेटा सिद्धार्थ गौतम सुनो मेरी बात, और क्या बोली है वो मैया।
बोली उठे मन सोच विचारी, बोली उठे मन सोच विचारी, मानव हमें यही सोई। संग शरण ले और साधो धम्मी हमी तज देऊ। बोल उठे मन सोच विचारी और मानव हमें यही स्वीकारी। जिस समय मैया ने ये कहा कि भगवान हे योगी राज सिद्धार्थ गौतम, जिनके पतियों को तुमने अपने संग में सम्मिलित कर लिया है, वो पत्विंचित नारियां महलों में रह करके बड़ा रुधन मचा रही है, व्याकुल हो रही है। हम सभी पत्विंचित नारियों को अपने संग में सम्मिलित कर लो। भगवान कहने लगे हैं चिंता मत करो मैया, हमें ये बात आपकी स्वीकार है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन सुनो मैया, आज भगवान बुद्ध बोले हैं प्रजापति मैया से कि सुनो माँ, से जाकर के भैया कह देना पंचशील की साधना और विपश्यना उन महलों में रह करके करें। हमें आपकी बात तो बड़ी स्वीकार है, लेकिन ये बात उनसे जाकर के कह देना। जब इतनी बात कह करके मैया ने जब भगवान की बात को सुना, मैया लला निराश होकर वहां से चली आई, निराश होकर के चली आई। इधर पत्विंचित नारियां इंतजार में बैठ